जादुई घड़ी। बबलू एक नंबर का आलसी बच्चा है। वो अपने हर काम में लेट हो जाता है। स्कूल भी अक्सर लेट पहुंचता है। इस वजह से उसे रोज डांट पड़ती है। मे आई कम इन टीचर? ये कोई स्कूल आने का टाइम है? पूरे एक घंटे लेट हो गए हो। कान पकड़ो और दरवाजे पर ही खड़े रहो। सॉरी टीचर, उठने में लेट हो गया। रोज ये बहाना नहीं चलेगा। एक अलार्म घड़ी खरीदो और अलार्म लगा कर सो। ठीक है टीचर, आज ही मैं एक अलार्म घड़ी खरीद लेता हूँ। कौन सी लूं? ओहो, अच्छी अच्छी अलार्म घड़ियाँ तो शुरुआत में ही रखी हुई हैं। आखिर में तो ये कितनी बेकार घड़ी है। एकदम गंदी, टेढ़ी मेढ़ी और पुरानी सी। छी, मैं तो सामने वाली ही लूंगा। सच कहा तुमने बच्चे, कोई भी मुझे लेना नहीं चाहता, पर तुम तो ले जाओ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। क्या काम आओगी? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मेरा काम टाइम पर करवाओगी? हाँ। ठीक है। और वो उसे घर ले आता है। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ, अलार्म घड़ी। ये क्यों? अब मैं अलार्म लगा कर सोऊंगा और अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा, तो कभी स्कूल के लिए लेट भी नहीं होऊंगा। तू इतना आलसी है, हमारे चिल्लाने पर तो उठता नहीं है, अलार्म से उठ जाएगा? अरे उठ जाऊंगा माँ, ये हाथ में बंधी रहेगी ना, सुनते ही उठ जाऊंगा। और बबलू अलार्म लगा कर सो जाता है। रात भर घड़ी उसे सोता देखकर खुश होती रहती है। वो सोचती है, कितना अच्छा बच्चा है, मुझे उस दुकान की गंदगी से निकाल कर इस सजे हुए कमरे में ले आया। मैं भी इसके साथ अब आराम से रह सकूंगी। अरे पर इसने तो अलार्म लगाया है, अगर मेरा अलार्म बज गया तो ये उठ जाएगा। बेचारा कितने मजे से सो रहा है, इसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। मैं अपना अलार्म थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ ताकि इसकी नींद कम्प्लीट हो जाए। वाह, नींद खुल गई, अब स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। अरे मैंने तो 7 बजे का अलार्म लगाया था, ये 9 बजे कैसे बजी? उफ़ो, मैं फिर लेट हो जाऊंगा। लगता है ये घड़ी खराब है, 7 बजे की बजाय 9 बजे बज रही है। ये तो मेरा नुकसान ही करवाएगी। ऐसी घड़ी को घर में रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है, इसे मैं फेंक दूंगा। नहीं नहीं मुझे मत फेंको, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए अलार्म आगे बढ़ा दिया था। कितनी प्यारी नींद सो रहे थे तुम। मैं भी सोना ही चाहता था, पर 10 बजे मेरा स्कूल है ना, और 9 बज गया। 1 घंटे में मैं तैयार भी नहीं हो पाऊंगा, और फिर मैं स्कूल लेट से पहुंचूंगा, और फिर मुझे डांट पड़ेगी। नहीं डांट पड़ेगी, जब तक तुम तैयार होकर स्कूल नहीं पहुंच जाओगे, स्कूल की किसी भी घड़ी में 10 नहीं बजेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो करो। बबलू के स्कूल की सारी घड़ियों में 9:30 ही बजते रहे। बबलू तैयार होकर स्कूल पहुँच जाता है तो वहाँ पूरी क्लास में कोई भी नहीं है। वो चौंक जाता है। कमाल है, लेट हो गया फिर भी क्लास में कोई नहीं। अभी तो 9:30 ही बजे हैं। अब धीरे धीरे सारी घड़ियाँ शुरू होंगी, तभी 10 बजेंगे। बबलू के स्कूल की सारी घड़ियों में 10 बज जाएं। कमाल है, हमेशा लेट आने वाला बबलू आज सबसे पहले आ गया। बबलू का पूरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा गुजरता है। घर आकर भी वो अपने कमरे में पहुंचते ही शाम से ही वीडियो गेम खेलने में लग जाता है। क्यों बबलू, खुश हो ना? हाँ, मैं गेम की फाइनल स्टेज पर हूँ। बस एक ही बात का डर है, 9:15 बज रहे हैं और 9 बजते ही माँ पिताजी खाने के लिए बुलाने लगेंगे और मेरा गेम अधूरा रह जाएगा। डोंट वरी, जब तक तुम फाइनल स्टेज क्रॉस नहीं कर लोगे 9 नहीं बजेंगे। बबलू के घर की सारी घड़ियों में अभी 9 ना बजे। थैंक्स यार, थैंक्स। बबलू तुम्हारा साथ तो मैं दे रही हूँ, पर ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? देखो मुझे आज स्कूल में डांट भी नहीं पड़ी, मेरी तारीफ हुई, और घर पर भी माँ पिताजी ने अभी तक मुझे खाने के लिए नहीं रोका। मैं आराम से अपना गेम पूरा कर रहा हूँ, कितना खुश हूँ मैं। कुछ दिनों बाद बबलू की परीक्षा शुरू हो जाती है। वो पेपर लिख रहा होता है, मगर लिखने की आदत ना होने की वजह से वो पेपर लिखने में लेट होता है, और वो घड़ी से कहता है, 2 घंटे का पेपर है, अगर 2 घंटे कंप्लीट हो गए तो टीचर पेपर ले लेंगी और मैं फेल हो जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी लिखो ना। नहीं 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 लिख पाऊंगा, प्लीज प्लीज कुछ करो। ओके, शहर की सारी घड़ियों में 12:30 बज जाए। हेलो, हाँ हाँ, ओके, बच्चों के पेरेंट्स का फोन था, सॉरी बोल रहे थे कि उनकी घड़ी खराब थी। अभी अभी उन्होंने देखा कि 12:30 ही बज रहे हैं। आप आराम से पेपर लिखवाओ। अब बबलू के मजे हो जाते हैं, वो समय के अनुसार नहीं समय को अपने अनुसार चलाता है।
ऐसे में एक दिन जब वो आराम से स्कूल जाने के लिए पूरे शहर की घड़ियों में सवेरे के 8 बजा देता है और स्कूल पहुंचता है, तो दूसरी तरफ उसके पापा को अचानक अटैक आ जाता है। माँ जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ अभी डॉक्टर नहीं आया होता है। ये सुनकर माँ रोती हुई बबलू को फोन करती है। बबलू तुरंत स्कूल से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और माँ की बात सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो घड़ी से कहता है, ये क्या हो गया, अब तो दोपहर के 1 बज रहे होंगे, पर डॉक्टर क्यों नहीं आया? तुम्हारे कहने पर ही मैंने पूरे शहर की घड़ी में अभी सवेरे के 9 बजा रखे हैं। तो जल्दी करेक्ट टाइम करो ताकि डॉक्टर आए, वरना मेरे पिताजी की जान भी जा सकती है। पूरे शहर की घड़ी राइट टाइम हो जाए। ओह गॉड, आज तो मैं बहुत लेट हो गया, कहीं कोई पेशेंट प्रॉब्लम में ना आ जाए। तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट का फोन आता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करो, मैं अभी पहुंचता हूं। और डॉक्टर आकर बबलू के पापा की जान बचा लेता है और कहता है, अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो तुम्हारे पापा को नहीं बचा पाता। आज के बाद आप तो क्या, कोई भी, मैं भी कभी भी लेट नहीं होऊंगा। तुम सच कह रही थी, टाइम को हमारे मुताबिक नहीं, हमें टाइम के मुताबिक चलना चाहिए, ताकि हम सफल और सुखी जिंदगी जी सकें।